सोलन के माल रोड पर सड़क की मरम्मत की जा रही है। जहां सड़क पर गड्ढे पड़े थे उन्हें भरा जा रहा है। जहां सड़क खराब थी वहां पैच भी लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बेहद खुश हैं कि उन्हें गड्ढों से अब निजात मिलेगी। लेकिन लोगों की ये खुशी कुछ घंटों तक ही सीमित थी, क्योंकि जैसे ही विभाग द्वारा सड़क की मरम्मत की गई उसके कुछ देर बाद ही सड़क उखड़ने लग पड़ी है। सड़क पर जो गड्ढे विभाग द्वारा भरे गए थे वे फिर से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस मरम्मत के कार्य की गुणवत्ता पर अब सवाल उठना लाजमी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और सरकारी धन सड़कों पर बर्बाद हो रहा है, जिस पर विभाग के अधिकारियों को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए था। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले वे दिन में कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था ठीक नहीं चल रही थी। मजबूरन ये काम रात को करवाना पड़ा। रात में तापमान कम होने की वजह से सड़क उखड़ने लगी है। जहां ये सड़क उखड़ी है वहां पहले ही पानी की लीकेज है, जिसे दुरुस्त करने के लिए विभाग को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जहां इस तरह की संभावनाएं हैं वहां भविष्य में विशेष तौर पर घोल डाला जाएगा, ताकि सड़क को नुकसान ना पहुंचे। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी पैच वर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। हम और जगह हमने काफ़ी पैच वर्क कर दिया है। अब लास्ट में हम इधर पहुँचे थे तो बाज़ार बिजी होने की वजह से कल दिन में नहीं लग पाए, और फिर थोड़ा लेट करने को कहा था। थोड़ा कुछ ट्रैफिक व्यवस्था और व्यवस्थता कुछ ऐसी थी कि उसकी वजह से दिन में काम कर नहीं पाए। अदरवाइज रूटीन में हम कार्य कर रहे थे। लगभग 1-1.5 बजे भी हमारी गाड़ी आई थी जनरल पैच वर्क करने के लिए सिलेक्टेड पॉइंट्स पे, तो बाद में शाम को उसको जल्दी जल्दी में करना पड़ा। और इसलिए थोड़ा बहुत उसमें होगा तो उसको सफाई कर देंगे, बाकी टिक जाएगा। बाकी जब ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास एक रोड बॉन्ड मटेरियल भी होता है, जहाँ पॉट होल होता है उसको हम रोड बॉन्ड से भर देते हैं। बाकी इसका मैं एक बताना चाहूँगा कि माल रोड पोर्शन में एक हमारा पीरियोडिकल रिन्यूअल का टेंडर रिकॉल हुआ है। इस पोस्ट में तो अवार्डेड है, लेकिन पिछली बार बरसात शुरू होने के कारण फिर आगे कर नहीं पाए, और अभी थोड़ा मशीनरी कॉन्ट्रैक्टर की थोड़ा मतलब आउट ऑफ स्टेशन थी, या इस स्टेशन के आसपास नहीं थी, तो अब वो फ्री हो रहा है, आ जाएगी, या जैसे भी होगा, जो मौसम जब भी ठीक होगा तो उसमें उसको कर दिया जाएगा।